जी लास्ट टाइम जितना हमारा पिछले इसमें टॉपिक में कवर हुआ था वो हमने इंसर्ट तक कवर कर दिया था। सही, इंसर्ट के बाद हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज डिज़ाइन। सही, डिज़ाइन बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिज़ाइन से मुराद होता है कि आपकी जो स्लाइड है उसका आप किस तरीके से शेप स्टाइल वगैरह रखना चाहते हैं। सही, स्टाइल जो भी ओवरऑल होता है वो क्या रखना चाहते हैं। यहाँ भी हमारे पास डिफरेंट स्टाइल जो है बाय द डिफॉल्ट भी मौजूद होते हैं। सही, कुछ भी आप जो रखना चाहें वो इजीली रख सकते हैं। जो भी स्टाइल आप चाहें उसके हिसाब से कर सकते हैं, यानी बाय द डिफॉल्ट कुछ मौजूद होते हैं हमारे पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लैक कर दिया, यहाँ से कोई भी मैंने सेलेक्ट करके कर दिया। सही, ये बाय द डिफॉल्ट है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इन सब को हम बैक कर देते हैं। सही, ये मेरे पास वाइट बैकग्राउंड है। हम अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ एक मिसाल दे देती हूँ कि जैसे हमारे पास आती है टैबलेट्स मैन्युफैक्चरिंग, हम बता रहे थे, हमें एक टॉपिक मिलता है क्लास में यूनिवर्सिटी में कि आपको टैबलेट के बारे में बताना है। तो टैबलेट का हम पहले इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद इसके डिफरेंट तरीके से हम लिखते हैं। सही, तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ अपनी हर चीज़ को कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ है। तो क्या करेंगे कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए हम बैकग्राउंड हर स्लाइड का डिफरेंट रखने की कोशिश कर सकते हैं। हम कर सकते हैं ऐसा। सही, अगर मैं इसके अंदर से डिफॉल्ट वगैरह सेलेक्ट कर लूँ, अभी है ये चीज़ देखिएगा आप। सही, मैंने अगर इस तरीके से अपना बाय द डिफॉल्ट रख दूँ तो अगर मैं जो भी स्लाइड यहाँ पर चूज़ करूँगी उसके अंदर यही बैकग्राउंड मेरे पास शो हो रहा होगा। सही है, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ कि बाय द डिफॉल्ट शो हर उसका मैं अलग रखूँगी। अब मैं डिज़ाइन पे गई। सही, मैं फॉर्मेट द बैकग्राउंड पे गई यहाँ पे। अच्छा, जैसे मुझे कोई और कलर रखना है, मुझे सिंपल रखना है, मुझे सब कलर चेंज करना है, मैं यहाँ से कर लूँगी, कोई भी कलर चूज़ कर लूँगी। उसके बाद ग्राइड आते हैं। ग्राइड में हमारे पे डिफरेंट जो भी आप चाहो, जैसे यहाँ पर मुझे ग्रीन चाहिए, इसमें डिफरेंट शेड्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये जो पिक्चर है और टेक्स्चर पे मैं क्लिक करूँगी ना, तो यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आता है। मैंने फाइल पे क्लिक किया, अब मुझे जो भी चाहिए थी ना, मैं यहाँ से सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर मेरे पास मौजूद थी, मैं यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको बैक साइड पर लगा दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास पिक्चर देखनी कितनी डार्क है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर कुछ लिख भी रही हूँ तो ये क्लैरिटी नहीं हो रही। मैं क्या करूँगी, मैं वापस इसके ऊपर आऊँगी, मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर दूँगी। मैंने पूरी ट्रांसपेरेंसी 50 कर दी तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब आप पावर पॉइंट चला भी रहे होगे तो आपको बैक साइड से ऊपर ब्रेन भी दिख रहा होगा और आपकी क्लैरिटी भी होगी पिक्चर के अंदर। सही, इसके अलावा भी हम डिफरेंट रख सकते हैं ईजिली। ये बात इतनी आप लोगों को समझ आ गई। अगर मैंने इतना कर लिया, इसके ऊपर बैकग्राउंड चेंज कर लिया, लेकिन अब मैं जब दूसरी स्लाइड के ऊपर जाती हूँ तो दूसरी स्लाइड बिल्कुल सिंपल है, यानी कि सिर्फ एक स्लाइड के ऊपर आया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं अप्लाई टू ऑल भी करके सारी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे अप्लाई टू ऑल मैं नहीं करना चाह रही, मैं सिर्फ एक ही उसके ऊपर करना चाह रही हूँ, तो मैंने कर दिया अप्लाई। सही, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे दूसरी कोई पिक्चर चाहिए थी इस स्लाइड के ऊपर, तो मैं वहीं जाऊँगी उसके ऊपर और पिक्चर कहीं से भी सेलेक्ट करके एक्स वाई जी, जैसे यहाँ से ये वाली पिक्चर को सेलेक्ट करना था, मुझे ये आ जाएगी इसके ऊपर। अच्छा, ये देखने की थोड़ी सी वो हो गई बैक साइड पे, तो इसके लिए मैं ये करूँगी। मुझसे उस दिन भी किसी ने पूछा था कि इसको अगर हमें वो करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे। हम इस पिक्चर को पहले यहाँ इंसर्ट करेंगे और इसको जिस हिसाब से अपने हिसाब से क्रॉप करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास लैंडस्केप में नहीं है, ये पोर्ट्रेट में, तो अगर हम कोई अपनी पोर्ट्रेट फ्लाई स्लाइड बना रहे होंगे तो हम उसमें तब ये पिक्चर लगाएंगे। लेकिन कोशिश करें कि फ्लाइट हमारी लैंडस्केप पे ही बननी चाहिए। सही, ये बात की हमारी क्लियर हो गई। वापस हम इसके ऊपर जाते हैं डिज़ाइन के ऊपर। हर उसका अलग भी हम रख सकते हैं। स्लाइड के ऊपर जाके हम यहाँ से स्लाइड का साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो हमें साइज़ चाहिए वो यहाँ से, जैसे कस्टमाइज स्लाइड पर जाकर अंदर की तरफ पोर्ट्रेट लैंडस्केप जो हमें रखना हो वो हम रख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट कर दूँ तो जैसे अक्सर हम पोस्टर्स वगैरह बना रहे होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, वो इस तरीके से बन जाएंगे। सही, इतने
हमारे पास बात आ गई। अच्छा एक और ही आप कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको स्लाइड एक अपनी अच्छी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसके लिए हम बैक साइड के ऊपर इस तरीके से भी अपनी मर्जी से भी पिक्चर्स वगैरह सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग जाके नेट के ऊपर जब आप गूगल पे लिखोगे ना कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर साइंस, फॉर बायोलॉजी, फॉर मेडिसिन, इस तरीके से, तो आप लोग वहाँ पर भी अच्छी अच्छी सी स्लाइड्स अवेलेबल हो जाएंगी और वहाँ पर आप कर सकते हो। सही, तो ना आपके पास इजीली वहां से भी आ जाएंगी स्लाइड्स और आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद इतनी चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई, हमने समझ लिया। फिर आते हैं हमारे पास ट्रांजिशंस और ट्रांजिशंस और एनिमेशंस। बेसिकली ट्रांजिशंस जो होती है ना वो होती है, ट्रांजिशन पूरी स्लाइड की होती है और एनिमेशन किसी भी सेलेक्टेड पिक्चर या टेक्स्ट की होती है जो मौजूद होता है हमारे पास पावर पॉइंट के स्लाइड के ऊपर। जैसे ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन कोशिश करें कि सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करें, ज़्यादा लंबी ना रखें। जैसे हमारे पास डिफरेंट आ जाती है बहुत लंबी लंबी, जैसे ये वाली है, ये नॉन प्रोफेशनल है, ये नॉन प्रोफेशनल भी है उसमें आ जाएगी। तो कोशिश करें अगर वो ट्रांजिशन वगैरह लगा भी रहे हैं तो उसको भी प्रॉपर करके रखें, यानी कि ज़्यादा लंबी लंबी ना करें, वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती। उसके बाद आ जाए एनिमेशन के ऊपर। एनिमेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, एनिमेशन बहुत कम डाली जाती है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं। सही है, एनिमेशन हम तब डाल सकते हैं जब हमें बुलेट्स डालने हैं। सही है, जैसे फॉर एग्जांपल बुलेट्स में हम लिख लेते हैं कुछ भी नेक्स्ट स्लाइड में करके, फिर मैं ये वाली एनिमेशन समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये थी, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ये कुछ इस तरीके के बुलेट्स बना लेते हैं इसे। ये बुलेट्स क्यों नहीं बन रहे, वेट, यहाँ पे हम कर लेते हैं। ये मैंने इस तरीके से किया। अब मैं चाह रही हूँ इसकी एक एक करके एनिमेशंस करना, तो मैं इसको कर सकती हूँ। सही है, जैसे ये वन हो गया, ये आपके पास मेंशन होता हुआ आएगा, ये टू हो गया ए? और ये अब हम इसको थ्री करेंगे। अब जब हम अपनी स्लाइड चलाएंगे यहाँ पर, सही, तो क्या होगा, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट उस पर ये फिर यस, ये नो, ये अलग अलग करके, जैसे अगर हम बुलेट्स को लाना चाहें इस तरीके से ला सकते हैं, जैसे पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, इस तरीके से हम समझा सकते हैं। सही है, उसके बाद हमारे पास आती है कि स्लाइड को रिव्यू करने का और इसको टाइम वगैरह देने का, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम पर स्लाइड टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है हम उस टाइम पे हमारी स्लाइड को ज़्यादा टाइम लग जाए इस तरीके से। अच्छा कुछ यहाँ पे टिप्स देना चाहूँगी कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन हम अगर बना रहे हैं तो पहली बात ये कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी ना हो कि जो सामने बैठे हुए लोग हैं वो बोर हो जाए। अक्सर हम भी किसी सेमिनार वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर जैसी सबसे पहले हमारी नज़र किस पर पड़ती है कि स्लाइड कितनी, तो मैक्सिमम कोशिश करें 15-20 स्लाइड और उससे ज़्यादा स्लाइड्स बनाने की कोशिश मत करें। सही है, स्लाइड्स इफेक्टिव होनी चाहिए। पहली स्लाइड के ऊपर इंट्रोडक्शन लाजमी होना चाहिए, यानी कि टाइटल पेज बना हुआ होता है कि कोई भी जो रेलेवेंट टॉपिक है वो उसके ऊपर लिखा हुआ हो और आपका नेम लिखा हुआ लाजमी मेंशन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके ऊपर कॉन्टेंट लिखा होना चाहिए, टेबल ऑफ कॉन्टेंट, कि आपके अपनी साइट में अब जो आप पढ़ाने जा रहे हैं क्या क्या इसमें कवर अप होने वाला है। उसके बाद जो दूसरी स्लाइड बनती है वो लाजमी जो है इंट्रोडक्शन की बनेगी, इंट्रोडक्शन लाजमी मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा पिक्टोरियल बनाने की कोशिश करें। उसके बाद जब सारी स्लाइड्स कंप्लीट हो जाए तो एंड में रेफरेंसिंग लाजमी डालें। रेफरेंसिंग डालने के दो स्टाइल होते हैं, एक पर स्लाइड रेफरेंस डाला जाता है नीचे बॉटम की तरफ। अगर जैसे यहाँ पर हमने रेफरेंस जो भी था वो छोटा करके कोने में हम यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा करके लगा, वो भी एक रेफरेंस होता है। और एक रेफरेंस होता है कि थैंक यू स्लाइड से पहले वाली स्लाइड पे हम रेफरेंस अपने सारे मेंशन कर दें कि भाई यहाँ यहाँ से हमने अपना जो मटेरियल था वो उठाया था। क्लियर है। उसके बाद प्रेजेंटेशन एक अच्छी स्किल बनाने के लिए कोशिश करें कि अपनी नॉलेज में इजाफा करें, अपनी बात पे कॉन्फिडेंट हो, जो आप बोल रहे हो वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और सामने वालों के क्वेश्चंस
को समझने और उनको सोचने की सलाहियत भी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से उनके क्वेश्चंस को एक्सेप्ट करते हो, जो वो सवाल पूछे उसको सवाल के सही से जवाब दें। सही ये ना हो कि आप उनके, अगर उसने कोई सामने से सवाल किया तो आप कहें यस, अब इस यस का समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या था। सही उसके हम सवाल को पूरा एक्सप्लेन करें, यस और नो के बाद मत टालें इतनी। सही उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि क्राउडेड स्लाइड नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा जो आपका बॉडी पोस्चर है वो मेंटेन होना चाहिए। ये ना हो कि आपके हाथ हिल रहे हों और आप किसी से बात ना कर पा रहे हो, आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा हो। सही आपका आई कांटेक्ट सबसे मेन फोकस होना चाहिए कि जितने भी लोग मौजूद हैं, ये ना हो कि आप ऊपर छत की तरफ देख रहे हो या आप कंटिन्यूसली अपनी स्लाइड की तरफ देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को आपको फेस करना आना चाहिए कि सामने जो बंदा खड़ा हुआ है, जो लोग बैठे हुए जो वो हैं उनसे ज़्यादा आपको पता है, आप अपनी बात पे कॉन्फिडेंट होने चाहिए, इतना हो। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि अगर, और दूसरी चीज़ ये मैंने आपको बताया कि आपकी स्लाइड क्राउड बिल्कुल भी ना हो, और इन चीज़ों को अपने मद्देनजर रखते हुए अपनी चीज़ों को फोकस करते हुए एक अच्छे प्रेजेंटर बनने की कोशिश करें। और जितनी चीज़ें भी मैंने आप लोगों को बताई हैं उसको अपनी डेली उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करें। तो ये आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, इधर उधर मत देखें, अगर आप इधर उधर देखते हैं ना तो लगता है शायद शायद सामने वाला कंफ्यूज है। और हाँ एक और सबसे मेन चीज़ ये कि अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की है तो साथ में नोट्स मत रखें। अक्सर लोगों को प्रैक्टिस में देखिए कि उनके हाथ में अलग से नोट्स मौजूद होते हैं और वो नोट्स में से देख देख के बनाते हैं। ये एक बुरी प्रेजेंटर की निशानी है कि वो हाथ में नोट्स है, जो आपका है, जो आपके चीज़ें हैं वो माइंड में या स्लाइड पे, इसके अलावा आपके पास कोई चीज़ मौजूद, इवन मोबाइल पे अक्सर लोग रखे हुए होते हैं और उसमें से देख के बता देते हैं। तो कोशिश करें इस टाइप की कोई भी चीज़ अपने उसमें ना रखें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने समझाई पढ़ाई वो सब समझ में आई होंगी, और आप इनको अपनी डेली लाइफ में डेली बेसिस पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू सो मच, जजाकल्ला खैर, और दुआ में याद रखिएगा।